आज दिल चाहता है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, आज दिल चाहता है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ तेरे आंचल से लिपट जाऊं, मैं फिर बच्चा हो जाऊं, मैं फिर बच्चा हो जाऊं। जवानी तो उसने अपनी पैमाने की तरह लुटाई, क्या उसने कभी अपना अंत सोचा? खिले हुए फूल को तो हर इंसान सूंघता है और सूखे हुए को पैरों से कुचल देता है। मैं बस इतना कहूंगी कि आप चिड़िया नहीं, आप जादू की पुड़िया हैं। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सभी के फेवरेट शो में, जिसका नाम है बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। हमारा ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका है। कल के एपिसोड में कोमल ने और मामून ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, पर आज किसका पलना भारी होने वाला है, वरुण जी की टीम का या ईशा जी की टीम का, ये तो परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ही पता चलेगा। और परफॉर्मेंसेस देखने से पहले हमें हमारे जजेस को वेलकम करना पड़ेगा, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे हैंडसम हंक वरुण बडोला जी का, और साथ ही हमारी हॉट एंड हैपनिंग जज ईशा कोपेकर जी का। ईशा जी, जानना चाहूंगी आपसे कि कल के परफॉर्मेंसेस जो थे सैयद मामून के और कोमल के, क्या कहना चाहेंगी कंटेस्टेंट्स को, क्या टिप देना चाहेंगी? ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म कर रहे हैं, इतना तो बनता है बॉस, ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? वरुण जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचे सेट हुए हैं, पर उम्मीद रखता हूँ कि आज ऐसी 10 परफॉर्मेंसेज हों जिसमें से कि दो विनर ढूंढने मुश्किल हो। बिल्कुल वरुण जी, चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं अपने पहले परफॉर्मर को, ईशा जी की टीम से आ रही तानिया चोपड़ा का। नहीं आ रहा है, कुछ भी बकवास दिखाते हैं आजकल। माँ, हाँ जी फौजी साहब, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, कहीं भूल तो नहीं गए कि कल आपकी मलिका हुस्न का हैप्पी टूटू है? आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे बर्थडे पे जरूर आएंगे, आओगे ना? आई मिस यू राम, आई रियली रियली मिस यू एंड आई लव यू।
आज तो मेरा हैप्पी टूटू है। आंखें नहीं खोलना। सबसे पहले राम को देखेंगे, फिर दिन की शुरुआत करेंगे। कहाँ रख दी मैंने उसकी फोटो? कौन है? ओ फिर तेरी राम? तू? Shit, 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 Ram, you made it. I love you so much, Ram. Motu, आ गया. I love you so much. कुछ तो बोल. कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, हाँ? वैसे एक बात तो है. तुम फौजियों को जैसे भेजो ना, बिल्कुल वैसे ही हट्टे कट्टे वापस आते हो, हाँ? हाँ, हाँ, मोटे. क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ मोटू? कुछ तो बोल, ऐसे आंखें क्यों भर आई तेरी? कितनी खराब टाइमिंग है ना ये दूध वाले की भी, आई टेल यू। आई तो रुका, मैं आती हूँ। क्या हुआ? सेंटी क्यों मार रहा है? रुक, मैं आ रही हूँ, दूध वाला है। तू बैठा, क्या यार दूध वाले भैया? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। आपके पति लेफ्टिनेंट राम कपूर वीरगति को प्राप्त हो गए। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बेहुदा मजाक है यार ये? एक सेकंड रुकिए आप, यहीं रुकिए आप। राम, आप क्या लेकर के मेरे घर में आ गए? What is this? Are you freaking crazy? माँ देखो ना यार, ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, आप देखो, मुझे नहीं समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। अभी मैंने राम को देखा था माँ, आप ही देखो। नहीं माँ उसे मत खोलो, अभी मैंने राम को देखा था, मैंने बात की है उससे। कमाल किया है आपने, मजा आ गया। जानते हैं हमारे जजेस से, उन्हें कैसा लगा? ईशा जी आप बताइए। आज मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हमारे सारे के सारे कंटेस्टेंट्स सचमुच में एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट तानिया जब एक्टर्स नहीं होते, माँ या जो वो मैसेज लेके जो आए थे, या राम की जो स्पिरिट जो वहां आई थी विदाउट एनी कैरेक्टर्स, उनको इमेजिन करके परफॉर्म करना वेरी डिफिकल्ट। क्या बोल वरुण जी? तुमने अपने एक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो माइमिंग कि उसका आना, वो मोटू मोटू एंड सेंटी क्यों मार रहा है एंड एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग लुक्ड वेल प्लेस्ड एंड व्हाट यू डिड वाज वेरी गुड। सो Be proud of yourself to start with. Thank you so much. All the best. आप भी दिल थाम लीजिए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम यू गए यू आए, तो आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। स्टारडम की नई बुलंदी छूने और सबके दिलों पर छाने के लिए हर कंटेस्टेंट एक के बाद एक
ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेस दिखाकर ग्रैंड फिनाले में धूम मचा रहा है। तो धूम धड़ाके को जारी रखते हैं। चलिए अब बुलाते हैं वरुण जी की टीम से रिजवान सिद्दीकी को। जोकर हूं मैं, जोकर। लेकिन पता नहीं क्यों ओथेलो से निकले पन्नों के यागों में फंस के रह गया हूं मैं। बहुत निकलना चाहता हूं पर निकल ही नहीं पाता। मैं निकलना भी नहीं चाहता इससे से। बड़ा मजा आता है इससे खेलने में। दिखाऊं कैसे? दिखाऊं? ये के कैसियो उसे चाहता है। मुझे है यकीन कि वो उसे चाहती है। है ये वाजिब और माकूल जंगी के बारे में। हालांकि समझ नहीं पाता हूं कि वो है वफा परस्त और अजीम फितरत का, क्योंकि जंगी की फिराक में अफशी की हवस ले गई उसको मेरे बिस्तर पर, ली उसने मेरी जगह। ये ख्याल अंतड़ियों सा काटता मेरी अंतड़ियों को, नहीं सुकून बिना बराबर हुए। बीवी के बदले बीवी करना हो तो पैदा हो उसमें ऐसी जलन जो तर्क के सामने हो लाइलाज। अगर ये कूड़ा वेनिस का कर गया मेरा काम तो कैसियो होगा मेरे पंजे में। मानेगा मुझे अपना हमदर्द, देगा सदा शुक्र, छीनने को उसका मनोज है सब कुछ यहां, सब कुछ यहाँ, पर एकदम साफ साफ नहीं, लजालत नहीं दिखाती चेहरा हूं बाहू जब तक ना हो इस्तेमाल। नहीं निकल रहा मेरे में से। बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, ये निकलते ही नहीं। क्या होगा मेरे करियर? क्या अब कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, सब खत्म, सब खत्म हो गया। इधर से कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया सर। ये इधर 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 घुस के बैठ गया इधर। या नहीं निकलेगा ये, अब नहीं निकलेगा तो ना निकले। जब ये निकलना ही नहीं है तो ना निकले, नहीं निकलेगा तो ना सही। अब मैं इनमें चुपके बैठूंगा, इनमें चुपके। कमाल कर दिया आपने, क्या जोकर बने आप। हाँ वरुण जी, आप बताएं कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस। तुम्हारी एक्टिंग पीस के बारे में बात करता हूँ, और जो एक्टिंग पीस तुम्हारा जो है, यस सर,
वो बहुत बहुत भारी भरकम था। अगेन मेरे ख्याल से बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से तुम थिएटर में जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती, वो बहुत बेहतरीन है तुम्हारे अंदर। और तुम्हारा एक्ट जो है वो सही मानों में सरियल था, लेकिन अगर कोई वाकई अच्छे थिएटर एंथुजियास्ट इस शो को देखेंगे या किसी ने अगर ये एक्ट देखा तो वो वाकई इंजॉय करेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल एक्ट्स होते हैं करने के लिए। एज अ परफॉर्मेंस इट वाज वेरी गुड। थैंक यू। जानते हैं ईशा जी से कैसी लगी आपको उनकी परफॉर्मेंस? ओथेलो के जोकर से डार्क नाइट ना, द ट्रांजिशन है ना, कि अब जोकर के इसमें से निकल ही नहीं पा रहे हो और आप चाहते हो कि आप निकलो, लेकिन आपकी नस नस में इतना वो जा चुका है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपका मेकअप भी जो आपने किया था उसके वजह से आपकी आंखें और बाहर निकल के हाँ दिख रही थी। गुड रिजवान, आप बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हो। आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दिल थाम के बैठ जाइए, इंतजार कीजिए। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम, और इसी के साथ अब बुलाते हैं वरुण जी की टीम से सिमरन अवस्थी को। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मुहावरे के मुताबिक मैंने कल झूठ का पर्दा उठाया तो सत्य को नंगा पाया। अब पूछे कैसे हुआ यूं कि कुछ गरीब आदमियों पर अदालत ने झूठा 420 का मुकदमा चला दिया। मैंने उनके लिए न्याय का दरवाजा खटखटाया, काफी जद्दोजहद के बाद मैंने दरवाजे खोला और अंदर घुसी। अंदर घुसते ही एक सुनसान सा कमरा था। उस कमरे में एक कोने में बाथरूम था जिसका दरवाजा आधा खुला और आधा बंद था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला एक आदमी को मैंने नंगा नहाते हुए पाया। मैंने कहा तुम न्याय हो ना, जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। उसने कहा मैं अन्याय हूँ, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मुझे कपड़े पहनने की क्या जरूरत, न्याय मेरा जुड़वा भाई है, हम दोनों की शक्ति एक जैसी है, इसलिए अक्सर लोग उसके धोखे में मुझसे मिल जाते हैं। तुम दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना? उसने कहा हाँ है ना, मैं भेंगा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा पर मैं तुम्ही को देख रहा हूँ।
और मेरा भाई न्याय, वो सिर्फ एक आंख से देखता है, एक ही तरफ। और अब तो बहरा भी हो गया। फिर मैंने पूछा, न्याय का दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा कौन खोलता है? उसने कहा, मैं खोलता हूँ। बड़ा मजा आता है क्योंकि लोग मुझे न्याय समझते हैं, पर मैं तो अन्याय हूँ। लोगों की भावनाओं से खेलने में जो मजा है, उसकी तो कुछ बात ही और है। फिर मैंने निराशा से पूछा, तुम दोनों का माता पिता कौन है? पता उसने क्या कहा? एविडेंस एक्ट हमारा बाप है और इंडियन पेनल कोड हमारी माँ। आजकल धर्म के नाम पर जितना झूठ अदालतों में बोला जा रहा है, शायद कहीं कहीं बोला जाता हो कि आज बाहर तो एक आदमी भी सच्चा नहीं मिलता, फिर अदालतों में इतने सच्चे कहां से इकट्ठे हो जाते हैं? आज भगवान भी रो रहा है, ईसा मसीह अपना सलीब खुद ढो रहा है और वो कह रहा है, हे पिता, इन्हें हरगिज माफ मत करना, ये साले जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं हार गई। मैं उन मजबूर और बेगुनाह लोगों को न्याय नहीं दिला पाई। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है आपने, जानते हैं अपने जजेस से। वरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक जो मुझे अच्छा लगा कि दोनों जो इमोशंस जो इस एक्ट के थे वो बहुत अलग अलग नज़र आए, साफ सुथरे नज़र आए। बाकी जहाँ तक आपके डांस का सवाल है, वो आपकी अभी भी पाँव आपको परेशान कर रहा होगा, थोड़ी भाव भंगिमाओं के ऊपर ज़्यादा मेहनत की जानी चाहिए, जो मुझे भी समझ में आ गई तो सोचो, अदरवाइज गुड एक्ट। ईशा जी, आपसे जानना चाहूँगी, इनकी डांस तो फ्यूजन बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छा, आपने एक अच्छा ट्रैक चूज़ किया और जितनी कोशिश कर सकते थे आपने अपनी कोशिश की, मज़ा आया। आपकी एक्ट के बारे में ये कहना चाहूँगी सिमरन की, बहुत ही अच्छा मैसेज था और आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। All the very best. आप भी दिल थाम लीजिए अपना। Big Fame Star के ग्रैंड फिनाले का एपिसोड जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दोनों टीम्स के बीच का मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। वरुण जी की टीम बाजी मारेगी या ईशा जी की टीम का जलवा रहेगा, ये तो अगले एपिसोड में बाकी के परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ही पता चलेगा। ये देखने के लिए कीजिए अगले एपिसोड का इंतजार, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। टेक केयर, बाय बाय।